अपनी शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपने नए हॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वो ओशो की कंट्रोवर्शियल शिष्या माँ आनंद शीला को लेकर एक बायोपिक प्रोड्यूस करने जा रही हैं। इसके पहले पिछले साल कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री को ड्रॉप कर दिया गया था, जो स्पिरिचुअल गुरु और फिलोसोफर भगवान रजनीश की लाइफ पर बेस्ड था, जो बाद में ओशो के नाम से जाने गए। कहने की जरूरत नहीं है कि इनके फॉलोअर्स आज भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। माँ आनंद शीला ओशो की प्रमुख सहयोगी थी और उनका दाहिना हाथ मानी जाती थी। पहले ये चर्चा थी कि इनकी लाइफ पर हिंदी में जो फिल्म बनेगी उसमें आमिर खान के साथ आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आएंगी, लेकिन द एलन डिजेनर्स शो में प्रियंका चोपड़ा ने ये रिवील किया है कि वो माँ आनंद शीला की लाइफ पर बायोपिक प्रोड्यूस करने जा रही है। प्रियंका ने कहा कि फिल्म में उनकी भूमिका कोई खास नहीं होगी और उनकी मौजूदगी महज नाम मात्र के लिए होगी। प्रियंका चोपड़ा ने शो के दौरान बताया कि इस फिल्म पर वो बैरी लेविंसन के साथ काम कर रही हैं, जो आइकॉनिक अमरीकी डायरेक्टर हैं। ये प्रोजेक्ट कब शुरू होने जा रहा है इसके बारे में प्रियंका ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।